मैं दिख रही हूँ यार, मेरे को पता नहीं था इतने लोग कहते आज तक और कल तक। भाई उधर से आ रहे हैं। एक मिनट भाई, अभी बोलो। बहुत गुस्सा आ रहा है कि हमसे ज़्यादा टीआरपी आ गई। जब नचबली 8 में थे तब इतनी नहीं आई थी, बट दिखता है मेहनत। क्योंकि ये इस बार का जो सीज़न है बहुत ग्रैंड दिख रहा है। पहले तो मैं बोलूँगी कॉस्ट्यूम और लुक बहुत ही ग्रैंड है, ऐसे लग रहा ब्रॉडवे देख रहे हैं। और बहुत मतलब बारीकी से काम किया है केन ने ना, केन जो भी हमारे पंजाबी होगी तो केन ही हुआ। केन ने बहुत अच्छा काम किया है और सब लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं। और मसाला ये है कि प्रेजेंट वाले भी हैं और एक्स वाले भी, तो अगर हमारा और मेरा हर्ष का नहीं रहता तो शायद एक्स में हम फिर से पार्टिसिपेट कर लेते हैं ना। लेकिन ये पैसे गए हाथ से, कोई बात नहीं। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ तो बोली है आपने, पूरी ऑफर बहुत अच्छी। अरे अरे सॉरी, हाँ मतलब जो ओवरऑल डांस है कोरियोग्राफी बहुत अच्छी है। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि शायद पुनीत ने की है वो। तुमने की है ना? हाँ मैंने की, इन्होंने की है। और बस बातें खत्म हो गई, नमस्ते और थैंक यू। देखते रहिए खतरा खतरा खतरा। फेवरेट मेरे बहुत सारे, मैंने पोस्ट भी किया था कि एक नहीं बहुत सारे हैं। अनीता है, अली है और प्रिंस है, फिर बिंदु जी है। बिंदु जी मुझे लगता है मेरे और हर्ष वाला ही हाल होने वाला है, क्योंकि थोड़े पंजाबी जो होते हैं डांस में थोड़े कमज़ोर होते हैं, क्योंकि जैसे ही दो पैग अंदर जाते हैं हमारा अपना ही शुरू हो जाता है। और ये साबित कर दिया है गुजराती भी थोड़े ऐसे ही होते हैं, क्योंकि पिछले सीजन में मैंने हर्ष को कैसे नचाया मुझे ही पता है ना। मैंने हाथ जोड़ लिया उसके बाद मैं कभी नहीं नचा। फाजी थोड़ा हूँ ही नाम लिखता मैं, लेकिन बहुत अच्छा, सब लोग मेहनत कर रहे हैं इसमें। हो मेरे में आप मेरी तरफ रहो। इसमें मुझे लगता है डांस नहीं, जो आपस की केमिस्ट्री है वो देखनी चाहिए कि आप कितना एक दूसरे से प्यार करते हैं और कितना मतलब एक दूसरे के साथ हैं। क्योंकि ये जो शो है इसमें कपल्स की लड़ाइयाँ बहुत होती हैं कि तू ठीक से पढ़ ना, तू हाथ क्यों मरोड़ रहा है, कस के क्यों पकड़ रहा है, तू ढीला कर। तो बहुत हमारे भी बहुत झगड़े हुए, मतलब शायद इस शो से हमारा ब्रेकअप भी हो जाता। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा दिल की अच्छी हूँ, मैंने बहुत पेशेंस रखे। अच्छा। और मैंने जो लकड़ी को डांस करवाया है ना, मतलब बीच में ना कभी कभी हर्ष रिहर्सल छोड़ के चला जाता था कि मुझे नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर मैं जब बोलती थी पर एपिसोड इतना मिल रहा है, फिर वो गुजराती दिमाग वापस आ जाता, धंधो छे धंधो, तो फिर हमने कर लिया है ना। लेकिन बहुत मज़ा आया, ये बहुत प्यारा शो है और इसमें आपस में कपल की झगड़े ही बहुत होते लेकिन प्यार भी बहुत बढ़ता है। सो गाइस जितने भी बस इतना इतने लंबे उनके सवाल नहीं थे बेटा। हाँ मैं तो इतना बोल रही हूँ कि जैसे सवाल पूछा, हाँ एक सवाल नहीं यही। अच्छा आप भी हो, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही यादगार रहेगा बिकॉज मैं पूरे सीजन में आई विल बी सुपरवाइजिंग द एंटायर शो। तो ओपनिंग में तो कोरियोग्राफी में डांसर्स थे, अभी एक्चुअल इनके साथ काम करके पता चल रहा है कौन कितना पानी में है। तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है कि नच बलिए में नच पहले आएगा कि बलिया पहले आएगा। कभी डांसिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, कभी उनकी केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इट्स गोना बी अ लॉट ऑफ गुड एक्सपीरियंस। मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट एंटरटेनमेंट में देखें तो बिंदु जी एंड डीना, आई थिंक दे आर फैबुलस, दे आर ऑलवेज हैप्पी। सबसे अच्छे डांसर की बात नहीं है यहाँ पे, कौन कितना खुश है। एंड दे सही मायने में अगर मेरा ब्रांड का बात करो तो एनीबॉडी के डांस में एक्चुअली ABCD में राइट होते हैं बिंदु जी। एंड शांतुन एंड फैजल दोनों आते हैं डांस बैकग्राउंड से, तो उनको तो मैं सपोर्ट करूंगा ही। ओवरऑल सब बाकी सब, एंड इट्स ऑल अबाउट द ग्रोथ दिस इज दिस शो, तो कौन कितना ग्रो होगा उसके ऊपर पर्सनल रहेगा। उन्होंने पैसे दिए, वो प्रोड्यूसर बन गए। एक बड़ा शो, दो ही बड़े शो और दो बड़े प्रोड्यूसर है, एक है खतरा 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 के प्रोड्यूसर इधर और एक है सलमान खान। और हर्ष को बड़ी खुशी होती कि सलमान के साथ कि इस साल दो प्रोड्यूसर बने हैं, सलमान खान और हर्ष ने बाजी है, तो इनको बड़ी खुशी होती है। लेकिन सलमान को शायद पता ही नहीं कि ये बने हैं, इनको पता है वो बने। लेकिन बहुत मज़ा आता है पुनीत के साथ, तो हम एवरी डे इसकी डेट पूछते रहते हैं, भाई तेरी डेट है खतरा खतरा के लिए, ये देते ही नहीं है। जब भी पुनीत भाई अवेलेबल है वो हमारे शूट पे ही होते हैं। ओ माय गॉड पंजाबी एनीथिंग है। खैर अभी जो स्टार के PR उनको गुस्सा आ रहा है कि खतरा खतरा के बीच में बातें हो रही हैं, तो मतलब आप देखते रहिए नच बलिए सैटरडे संडे 8 बजे और खतरा खतरा मंडे टू फ्राइडे 6:30।